कितना है? 2 किलो। 2 किलो। ये देखो भाई केले का साइज देखो, एक अंगली के बराबर है बस। ज्यादा दिक्कत हुई है इसकी, हुआ देखिए बता, गिर गई खड़ी खड़ी। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मोहित चौहान, मैं कर रहा हूँ 75 हार्ड साइकिलिंग चैलेंज दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज मेरा 46वां दिन है। तो भाई लोग अब मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी, जो यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। जब मैं बैंगलोर से निकला था 140 के आसपास था, अब 130 दिखा रहा है। तो भाई रात के टाइम मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे स्टे किया था, दिखाता हूँ तुम्हें अपना कैंप। भाई ने रात के टाइम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे स्टे किया था और यहाँ पे अपना कैंप लगाया था। तुम्हारे भाई पे कैंप लगाना बहुत अच्छे से आ गया, बहुत जल्दी लगा लेता है भाई। अब करते हैं बात शेरनी की। देखो शेरनी में की आज फिर यही हालत है भाई, पेंचर है इसमें पर बहुत छोटा सा पेंचर है, 2.5 से 3 घंटे में हवा निकलती है इसकी। कल भाई लोग मैं पेंचर लगवाने के लिए भी गया था, 3-4 जगह पे भी गया, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें पेंचर नहीं है। फिर मैं मोटरसाइकिल वालों के पास गया था, उन्होंने बोला कि हम मोटरसाइकिल और कार का पेंचर निकालते हैं, साइकिल के निकालते, तो मैं आगे चले जाऊँ। फिर मैं आगे चला गया, फिर वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला, साइकिल की सोप नहीं मिली। अब मैं यहाँ पे हूँ और भाई शेरनी की हवा निकली पड़ी है, अब दिक्कत होगी आगे जाके। वैसे तो 2.5-3 घंटे में निकलती है शेरनी की हवा, तो अब भर के फिर निकलूँगा। फिर उसके बाद आगे जाके देखते हैं कहीं पे अगर सोप मिलती है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलाएंगे इसको। तो भाई लोग सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, ये देख लो भाई टायर फट गया भाई, हवा भर के जैसे ही हटा था तो थोड़ा सा दूर गया, मैं टेंट पैक करने लग गया था और भाई उसके बाद फट देने से एकदम आवाज़ आती है। देखो भाई ट्यूब पूरी फट गई है, अब चेंज करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरे पास ट्यूब है पर मेरे पास मुझे चेंज करनी नहीं आती, दिक्कत ये है मुझे चेंज करनी नहीं आती। अब पता नहीं कैसे करूं भाई, वैसे मेरे पास तो सामान तो है, चलो चेंज करके देखता हूं, पर जो ब्रेक व्रेक है ना इनकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी, दिक्कत ये है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। वैसे भाई लोग मेरे पास 2 ऑलरेडी ट्यूब है, इमरजेंसी के लिए रखी थी, आज इमरजेंसी पड़ गया तो अब चेंज करते हैं, खुद ही चेंज करनी पड़ेगी, कोई है तो है नहीं यहाँ आसपास, तो कोई नहीं करते हैं चलो। तो भाई लोग तुम्हारा भाई बनेगा आज मिस्त्री, क्योंकि भाई साइकिल की जो ट्यूब है वो फट गई, तो अब आज तुम्हारा भाई मिस्त्री बनेगा। तुम्हारे भाई ने पहली बार साइकिल का टायर खोला है और उसके बाद भाई फिक्स करा और उसमें से ट्यूब निकाल के दूसरी ट्यूब डाल ली पहली बार। भाई किसी ने सिखाया तो है नहीं अभी तक, भाई पहली बार करना पड़ा, पर तुम्हारे भाई ने कर दिया। तो भाई मैं गांव में ना दुकान खुलवा दो मिस्त्री की, तुम्हारा भाई मिस्त्री बन गया अब। भाई लोग कुछ फल फ्रूट लेते हैं, आज बड़े दिन हो गए भाई फल फ्रूट नहीं गए, तो आज यहाँ ट्राई करते हैं। इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, केलों में तो बहुत सारी है, दिखाता हूँ। ये देखो भाई केले का साइज देखो, एक अंगली के बराबर है बस। ये देखो 8 तरह के केले हैं भाई इनके दूरे। ज़्यादा दिक्कत हुई है इसकी, हुआ देखिए बता, गिर गई खड़ी खड़ी, बता यार हवा में भी गिर जाए, बैलेंस ही नहीं बन पाता इनमें, कम से कम 200 बार गिरेगी भाई यू। देखो भाई मतलब ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि भाई बैग है ना, तो बैग अड़ जा नीचे जब गिरे ना तो दिक्कत नहीं आती। और जब यू नीचे गिर जाए ना, तुम्हारी कसम यहाँ दिल में दर्द होगा, दिल में मगर गिर क्यों गई तू, जब मैं नहीं गिर रहा तो तू क्यों गिर रही है, बहुत दर्द हुआ। कितना है? 2 किलो। 2 किलो भाई, ये 2 किलो केले हैं, 2 किलो, और इनका प्राइस है 80 रुपये, देख रहे हो किलो के हिसाब में मिलते हैं यहाँ पे। वैसे भाई दिखने में इतना कुछ खास नहीं है यहाँ के, देख फल फ्रूट जो हमारे वहाँ पे है भाई, हमारे वहाँ की चीज़ तो भाई अलग ही है, वैसे कहने की बात नहीं है। देखो सब्जी देख लो तुम, इनमें जान सी नहीं है सब्जियों में, पर हमारे वहाँ की सब्जियाँ देख लो तुम कैसी हुए, हमारे वहाँ की सब्जियों में भाई खूबसूरती भी रहे, मतलब की जान अलग सी दिखे, ऐसा लगा भाई सोना था, और यहाँ देख लो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी खास। इतने सारे केले ले तो लिए,
रखूंगा कहीं ना, अब रखने की प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देखेंगे ना, भी कहीं ना कहीं रखेंगे, साइड में लटकाऊंगा ताकि भाई साहब दिक्कत ना हो, नहीं तो भाई पिचक जाएंगे सारा, तो सारा कचुम्बर बन जाएगा इनका, फिर तो ख़राब हो जाएंगे। तो जितना हो सके सेफ ले कर चलूँगा, वैसे तो कल तक ये ख़त्म करने हैं सारे के सारे। साइकिल नहीं चलती भाई, बहुत सारा खाना पड़ा है, बहुत सारा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, कुछ भी खा लो, कुछ भी, सब हजम है, सब हजम है, सब का सब, कुछ भी खा लो तुम। हे माता जी, हाँ जी, ये लो गाय माता जी छगी। तो भाई लोग यहाँ से तिरुपति तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल वहाँ पे पहुँचूँ और अच्छे से घूमूँ, क्योंकि भाई अगर मैं आज जाता हूँ ना तो फिर मुझे वहाँ से कल निकलना पड़ेगा। तो यही है कि आज ज़्यादा नहीं 15 से 20 किलोमीटर और कवर करूँगा, फिर उसके बाद वहाँ पे घूमेंगे और अच्छे से दो तीन चीज़ें वहाँ पे कवर करेंगे, फिर उसके बाद परसों वहाँ से निकलेंगे। मैप में देखा नहीं भाई, तुम्हारा भाई चले जा रहा था 2-3 किलोमीटर आगे चला गया, अब पीछे जाना पड़ेगा तिरुपति के लिए, भाई पीछे से जाना पड़ेगा, मैं आगे आ गया 2-3 किलोमीटर। कभी कभी ऐसा हो जा भाई, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक वापस आना पड़े। जिधर से आ रहा था ना मैं, उधर से भाई चढ़ाई पड़ रही थी पूरी, ये देखो चढ़ाई है ये, और ये इधर से डाउन है, पैंडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब नीचे से जाना पड़ेगा राइट, और राइट में लेट जाना पड़ेगा, वो रहा हाईवे शायद, ये नहीं है, आगे है। तो आए भाई को जाना था इधर से और मैं चला गया था सीधा, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से तिरुपति 78 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा भाई लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो भाई लोग अब आधे घंटे बाद दिन छिपने वाला है, स्टे का देखना पड़ेगा क्योंकि आज सुबह ही लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। एक तो टायर में दिक्कत आ गई थी, ट्यूब फट गई थी, फिर उसको चेंज करा, वैसे मैंने आज तक नहीं किया, पहली बार था, और सही सब सही से हो गया, पर भाई इस टायर सही से नहीं लगा, इधर से उधर हो रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, जैसे पीली हुई इसने। तो भाई लोग पूरे दिन में अब जाके तुम्हारे भाई को रोटी नसीब हो रही है, पूरा दिन हो गया साइकिलिंग करते करते, कहीं टाइम ही नहीं मिला, एक दो जगह मिला अभी, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करा, अब जाके तुम्हारा भाई कुछ खाएगा, अब जाके अन्न की प्राप्ति हो रही है तुम्हारे भाई को। कभी कभी हो जाएगा भाई, खाने पीने पर ध्यान नहीं होता, बकेले वगैरह खाए थे, फिर उसके बाद कुछ खाना ही नहीं हुआ, नारियल पानी किया था, फिर एक दो बीच में कुछ खाया था, पर साइकिलिंग करते रहे ना बहुत ज़्यादा भूख लगा है, कुछ भी खा लो सब कुछ डाइजेस्ट हो। तो मेरे प्यारे ऐसे भाइयों, तुम्हारे भाई को मिल गया है पेट्रोल पंप पे स्टे, HP का पेट्रोल पंप है। तो भाई बात करते हैं आज के, आज तुम्हारे भाई ने 98 किलोमीटर साइकिलिंग की है और टोटल हमारे 40 दिन का होता है 4,768 किलोमीटर। और भाई यहाँ से तिरुपति बालाजी 55 किलोमीटर है, तिरुपति 55 किलोमीटर है, जो मंदिर है मेरे ख्याल से वो 70-75 के आसपास है, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है तिरुपति से। तो कल तुम्हारे भाई वहाँ पे पहुँचेगा और दर्शन करेगा, और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे हम अयोध्या के लिए, फिर अयोध्या वहाँ से तकरीबन 1,850-1,900 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा ही हो जाएगा, और अयोध्या से दिल्ली, और फिर दिल्ली के बाद मेरठ, और उसके बाद अपने गांव में UP 19। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और भाई कमेंट तो कर ही देख रहे हो यार, पता तो लगता रहा है कि तुम लोग देखते हो। अपना भाई रिस्पॉन्स ज़रूर दो वीडियो पे, हर एक वीडियो पे अपना कमेंट करो। वैसे मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो जितनी भी हो यार कमेंट किया करो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगता है तुम्हारी कमेंट पढ़ के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।